हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोग का वर्डपैट का टेस्ट है। वर्डपैट में सिर्फ आपको 5 MCQ क्वेश्चन का आंसर देना है। जो सबसे पहले आंसर देगा उसे फ्यूचर में मैं हमेशा सपोर्ट करूँगा, ताकि वो कंप्यूटर और भी अच्छे से सीख सके। दोस्तों, मैंने लास्ट में पेंट और नोटपैड का टेस्ट लिया था। पेंट में 20% लोगों ने सही जवाब दिया था और 80% लोगों ने गलत जवाब दिया, और नोटपैड में 50% लोगों ने सही जवाब दिया था और 50% लोगों ने गलत जवाब दिया था। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, कंप्यूटर में जो भी क्वेश्चन किया था, जिन्होंने सही जवाब दिया है उन्हें कंप्यूटर में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जिन्होंने गलत जवाब दिया है वो कंप्यूटर में सक्सेस हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर दोस्तों कंप्यूटर में आपको वर्डपैड अच्छे से आता है, तो इस वीडियो में मुझे बताइए कि जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका सही आंसर क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी का आंसर आपको देना कैसे है। मान लीजिए ये जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर है ए, और यहाँ पर ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर है बी। तो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके टाइप करना है ए कॉमा बी। मान लीजिए तीसरे का डी है तो कॉमा लगा करके डी, चौथे का ए है तो कॉमा लगा करके ए, और पांचवें का सी है तो कॉमा लगा करके सी। इस तरीके से आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी का आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके आपको वहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन से वर्डपैड में कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड दूसरे सॉफ्टवेयर को ओपन करके काम करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, वर्डपैड में हम जो भी काम करते हैं उसके अलावा कंप्यूटर में जो भी दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, तो वर्डपैड में ही किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को ओपन करके काम करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। यहाँ पर चार ऑप्शन है, ए फॉन्ट, बी पैराग्राफ, सी इंसर्ट ऑब्जेक्ट, या फिर डी रिप्लेस। आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। दूसरा क्वेश्चन से वर्डपैड में टेक्स्ट का साइज बड़ा करने के लिए मैक्सिमम साइज लिमिट कितना होता है। वर्डपैड में हम जब भी काम करते हैं तो कोई भी टेक्स्ट टाइप करने के बाद उसे सेलेक्ट करके मैक्सिमम उसका साइज कितना बड़ा कर सकते हैं। आपको यहाँ पर टेक्स्ट का साइज बड़ा करने के लिए मैक्सिमम साइज लिमिट बताना है। यहाँ पर दिया हुआ है ए 1638, बी 1720, सी 500, या फिर डी 1000। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है, वर्डपैड का एक्सटेंशन .rtf होता है, .rtf का फुल फॉर्म क्या है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं सबके फाइल का एक्सटेंशन अलग अलग होता है, तो वर्डपैड का होता है .rtf। आपको यहाँ पर बताना है .rtf का फुल फॉर्म क्या है। जैसे ए रियल टेक्स्ट फाइल, बी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, सी रिच टेक्स्ट फाइल, या फिर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन से वर्डपैड में फर्स्ट टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए वर्डपैड में हमने बहुत सारा टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, तो किसी भी एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उस टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट हाईलाइट कलर लगाना है। तो आपको यहाँ पे बताना है, जब भी हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर लगाते हैं तो फर्स्ट टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है। जैसे ए रेड, बी येलो, सी ग्रीन, या फिर डी ब्लैक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्डपैड में टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए टोटल कितने कलर दिए हुए हैं। दोस्तों, वर्डपैड के अंदर किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसके ऊपर हाईलाइट कलर लगाना हो तो हाईलाइट कलर वाले ऑप्शन में टोटल कितने कलर दिए हुए हैं। जैसे ए 10, बी 15, सी 20, या फिर डी 25। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वर्डपैड अच्छे से आता है तो जल्दी से इन सभी का आंसर मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा आपने सही आंसर दिया है या फिर गलत है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर दें, ताकि मैं आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको स्क्रीन पर सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।